चलो आ जाओ मम्मी जान, अल्लाह मेरा प्यार, आ जाओ वहाँ पे से निकालो, आ जाओ बंद है ना, आ जाओ। चलिए ये मिकात है, अभी वॉशरूम कहाँ पर है, पर आराम भी मिल जाता है ना, सब आराम भी है यहाँ पर, आराम है, लेडीज का भी है सब चीजें। और अभी यहाँ पर है ये मिकात, लेडीज के वहाँ जाएंगे हम लोग, न्यामा भी आराम बानेगी, सब जन आराम बानेंगे। ये जेंट्स का है, ये पानी फ्री है, ये पानी फ्री है, यहाँ पर पानी फ्री है, देख रहे पानी फ्री है। हाँ जमजम है भाई, ये भाई ये जमजम है क्या? अच्छा सादा है। वुमेन कहाँ पर है? देख वुमेन यहाँ पे, मैन यहाँ पे, पर आज तो एकदम रश ही नहीं है कुछ, कोई औरत ही नहीं है, ये अलग जगह लग रही है ना, सेम तो है, बनाए शायद ये नहीं। चलो यहीं से ना एकदम आस्ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो हम आए थे उमरा पर, और उमरा पर ना ये हम रुके हैं मिकात पर अहराम बांधने के लिए, यहाँ से अहराम बांधेंगे और हम मक्का के लिए निकल जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौसम था अभी ना, मैं आपको बताती हूँ कि मौसम कितना अच्छा हो रहा था। ज़ैन ने अहराम बांध लिया है, अब हम जाएंगे मस्जिद में नमाज़ अदा करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। तो ये देखिए, ये लेडीज़ की जो मस्जिद थी ना, वहाँ पर तो इतना कोई वीरानी थी ये जगह, मतलब आप देख सकते हैं, एक तो सर्दी और ऊपर से एकदम सन्नाटा हो रहा था, और ये लेडीज़ की मस्जिद है। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़कर हम जाएंगे मक्का के लिए निकलेंगे। लेडीज़ की मस्जिद थोड़ी सी छोटी थी, पर जेंट्स की जो थी ना वो काफ़ी बड़ी थी। और आप देख सकते हैं ये जेंट्स का सेक्शन है जहाँ से अंदर जाते हैं मस्जिद के साइड। अब हम निकल गए हैं, और ये जो हम मिकात आए थे, ये हम फर्स्ट टाइम आए थे इस जगह पर, काफ़ी ऊपर के साइड है, मतलब कि इतने ऊपर इतने हाइट पर थे हम लोग कि अभी आपको ना नज़र आएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग नीचे जा रहे थे, मतलब ये ना एकदम पहाड़ की कोई चोटी पर था मिकात, और फिर वहाँ से ना ऐसे घूमते घूमते आपको नीचे आना था। और जो ऊपर की साइड ना इतनी सर्दी थी, अभी आपको ना कुछ नज़र नहीं आएगा, मतलब गाड़ी में से ना कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इतनी सर्दी थी, पूरा कपड़ा छाया हुआ था, और बहुत ज़्यादा ना बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे कि इतनी सर्दी। अब तो हमें ऐसे लगा कि इतनी हम हाइट पर है ना, मतलब कि इतनी पहाड़ पर है, इसीलिए ना यहाँ इतनी सर्दी है। स्वेटर वगैरह लगा कर ना सारे लोग खड़े हुए थे, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो चेक पॉइंट आएगा ना, वहाँ पर सारे लोगों ने स्वेटर पहना था क्योंकि इतनी सर्दी हो रही थी यहाँ पर। बहुत अच्छा मौसम था ताइफ में, देखना वैसे भी ताइफ में कहते हैं कि सर्दी काफ़ी रहती है। हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए थे इस जगह पर, तो यहाँ पर तो बहुत सर्दी हो रही थी। अभी इतना कोई ऐसा यहाँ का रास्ता था ना, मतलब एकदम हम टॉप पे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें नीचे आना था और फिर मक्का की तरफ निकलना था। लेकिन अभी तो मिकात ऊपर की तरफ है, वहाँ से ड्राइविंग करते करते यहाँ तक आए, कितने ऊपर, बहुत ऊपर की तरफ है ये, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम लोग आगे नीचे कैसा बनाए मगर, हाँ और ये ऐसी खाई दिख रही थी ना, हाँ ये नीचे की तरफ है, हाँ जैसे अभी यहाँ पे लग रही है खाई, ये बहुत अलग दुनिया लग रही है, बहुत अलग है, ये इतना यहाँ से सब आ रहे हैं, ऐसा देखो ये कैसा है, यहाँ से समझ आ रहा है। रास्ता
से हम लोग होटल पहुंच गए हैं और बहुत लेट हो गया है इस वक्त ना, हम लोग को काफ़ी लेट हो गया है और यहाँ पहुंचते पहुंचते ईशा भी हो चुकी थी, तो हम लोगों ने मिकात पे ही ईशा अदा कर ली थी और फिर हम आ गए होटल, क्योंकि सामान था, सामान रखेंगे और फिर हम जाएंगे उमरा करने के लिए। इस वक्त ना बच्चे भी काफ़ी थक गए हैं, मगर अभी जो है ना वो जो असल काम शुरू होता है, क्योंकि उमरा करना तो अभी ही शुरू होगा सामान रखने के बाद। अब हम आ गए हरम में और हरम में हम अंदर जाएंगे। इस वक्त ना मक्का का भी मौसम बहुत अच्छा है, नवंबर दिसंबर में ना मौसम अच्छा होता है, सर्दी भी होती है और इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है सर्दी। जब काबा आएगा जब देखना, और अल्लाह से दुआ मांगना, अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे। अब हम आ गए थे सफ़ा मरवा पर, मगर जहाँ से सब करते हैं वहाँ पर इस वक्त काम शुरू है, तो आपको ऊपर वाली साइड जाना होगा सफ़ा मरवा के लिए। तो ये ऊपर वाली साइड ना मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, मगर आप जब करने के लिए शुरू हो जाओ तो वो बिल्कुल भी आपको एहसास भी नहीं होता है और सारा चक्कर आपका बहुत आराम से हो जाता है। और ये देखिए, ये ऊपर वाली साइड है और ये भाई लोग, भाई ने क्या कहना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं ना माशाल्लाह से, इनको अल्लाह ताला बहुत खुश रखे और इनकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात है वो पूरी करे, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। और अल्लाह ताला हर मुसलमान को यहाँ पर लाए, एक बार नहीं बार बार लाए, और फ़लस्तीन में जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त करे, सुकून दे वहाँ पर। और इस वक्त ना एक बज गए हैं पूरा, मतलब उमरा अदा करते करते हम लोगों को एक बज गए थे और उमरा हो चुका है, बच्चे बहुत थक गए हैं। हमें अब जाना था होटल और आराम करना था, क्योंकि हमें तहज्जुद और फजर भी अदा करनी थी। तो अब हम जाएंगे होटल, सबसे पहले खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह के ना बच्चे भी भूखे हैं और हम लोगों को भी बहुत भूख लग रही है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।